नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में विराजमान है राजस्थान व पंजाब के मुख्य ज्योतिष एक्सपर्ट व वास्तु एक्सपर्ट पंडित रोहित शर्मा। दोस्तों, चर्चा चल रही है राशिफल के बारे में और अब बारी है वृषभ राशि की। दोस्तों, मई महीने का राशिफल बताया जा रहा है, 1 मई 2017 से लेकर 1 जून 2017 तक। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ सरल उपाय बताएंगे। इन उपायों के करने से आपके जीवन में सरलता आएगी, सुख शांति बनी रहेगी। तो जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल। वृषभ राशि 2017 जो है मई माह का राशिफल इस प्रकार है। इस बार जो है आपको थोड़ा धन हानि के योग बन रहे हैं, यानी कि जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हानि की थोड़ी मेरे को संभावना इस बार ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन जो लोग 7 से 13 मई के बीच में कोई नया कार्य करेंगे उसमें अवश्य ही लाभ के चांस बन रहे हैं। तेल के व्यापारी या तिलहन से संबंधित जो काम करते हैं उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है। व्यापारी वर्ग के लिए जो बड़े व्यापारी हैं उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है वृषभ राशि के। और साथ में जो है आप इस बार जो भी अगर नया कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं उस पर थोड़ा विराम लगाएं, उसको अभी पहले 15 दिन जो है ये कार्य आप ना करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में उसकी परेशानी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम कर्मचारी वर्ग की बात करते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट भी जॉब करते हैं, उनके लिए जो है थोड़ा सा मानसिक तनाव जरूर रहेगा, लेकिन उनके जो है अगर तरक्की के भी चांस बन रहे हैं या जो लोग ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दिए हुए थे उनके भी चांस बन रहे हैं कि उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है। विदेश से कोई आपको शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। विदेश से जैसे कि आपका कोई प्रियजन रहता है तो हो सकता है आपसे मिलने के लिए आए, या आपने कोई विदेश में कार्य के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका वीजा आने की भी पूरी संभावना बन रही है। स्वास्थ्य से संबंधित अगर मैं आपसे बात करूं तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको जोड़ों का दर्द हो सकता है, और जो यंगेस्ट हैं हमारे या बच्चे हैं उनको जो है दांतों से संबंधित परेशानी आने की पूरी संभावना बन रही है। इसलिए आप समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहें और व्यायाम वगैरह का पूरा ध्यान रखें। एक विशेष बात मैं ये कहूँ वृषभ राशि वालों के लिए कि आप बहस से बचें। अगर आप बहस करेंगे तो आपको जो है परेशानी भी होगी, उससे आपके ग्रह भी खराब होंगे और आपके घरेलू जो है झगड़े भी बढ़ने की संभावना है, मानसिक तनाव आपको अधिक रहना शुरू हो जाएगा। थोड़ी पिता को परेशानी आ सकती है, आपके पिता का पूरा ख्याल रखें, और साथ में अपने मित्रों का आपको अवश्य सहयोग मिलने वाला है। अगर मित्र आपके सहयोगी आपके साथ हैं तो आपकी जो है जो परेशानियां हैं उनके द्वारा दूर होने की पूरी संभावना है। दो विशेष उपाय मैं आपको वृषभ राशि वालों को बताना चाहता हूँ। एक तो आपने क्या करना है कि किसी भी मंगलवार को आपने एक शहद भरना है 100 ग्राम के करीब शीशी में, कांच की शीशी हो और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल साफ कांच की, उसके अंदर भरें और किसी वीराने में जाकर के उसको चुपचाप दबाएं। ये कार्य आपको पहले मंगलवार को करना है, यानी कि जो इस माह का प्रथम मंगलवार आएगा उसी समय ये कार्य कर दीजिए, ताकि आपको जो आने वाले समय में धन हानि के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बन रही है, वो आपकी जो है इसके निजात मिल जाए। और इसके साथ साथ आप स्वास्थ्य के लिए और जो स्टूडेंट्स वर्ग के लिए जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं विद्यार्थी या जो नई क्लासेस में गए हैं उनको थोड़ा तनाव रहेगा, उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या करना है कि सफ़ेद चंदन मार्केट से आप सफ़ेद चंदन 100 ग्राम के करीब लेकर के आए, बुरा उसका बुरादा होता है वो लेकर के आए, लाल कपड़े के अंदर उसको बांध लें और गंगा जल का छींटा देते हुए आप उसे मंदिर के अंदर बुधवार वाले दिन दुर्गा माता के मंदिर में या शिव भगवान के मंदिर में जाकर के उसको चढ़ाएं, ताकि आपका पूरा माह बहुत बढ़िया निकले, मानसिक तनाव ना हो और जो कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफलता भी हासिल करें। उसके साथ साथ अगर आप वास्तु के अनुसार मैं टिप्स बताऊं तो ब्रह्म स्थान अपना साफ सुथरा रखें, क्लियर रखें, उस पर हमेशा गंगा जल का छिड़काव करें और एक तुलसी का पौधा अवश्य वहां पर
स्थापित कर दें ताकि आपका ब्रह्म स्थान चार्ज हो जाए और आने वाले समय में जो आपको परेशानी आ रही है उससे आपको निजात मिले। तो ये था वृषभ राशि का राशिफल। शुभ रंग जो है आपका ग्रे, हल्का भूरा, और शुभ अंक 1 और 6 है। तो दोस्तों ये थी अपडेट वृषभ राशि के बारे में। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।